पुलिस ने पीएलजीए बटालियन के दो नक्सली सप्लायरों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री हुए बरामद। सुकमा जिले में नक्सलियों के बटालियन नंबर एक को विस्फोटक सामान उपलब्ध कराने वाले दो सप्लायर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहां अभियान के दौरान सूचना मिलने पर मकान की घेराबंदी कर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करने पर अपना नाम संतोष मंडल निवासी बंगालीपारा चिंतलनार थाना चिंतलनार हाल देवी चौक पटनम पारा सुकमा और ओएस नागार्जुन निवासी ग्राम मेड़ा मेटा राजमहेंद्री जिला तूर्प गोदावरी आंध्र प्रदेश हाल मुकाम मिनी स्टेडियम के पीछे पटनम पारा सुकमा का होना बताया। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर इनके कब्जे से अलग अलग 2 किलोग्राम यूरिया पाउडर 2 डिब्बा विस्फोटक करने वाला पोटेशियम नाइट्रेट 3 डिब्बा विस्फोटक करने वाला एल्यूमिनियम पाउडर पैक करने वाला रेपर झिल्ली 2 पैकेट 1 टिफिन बम 2 तार युक्त डेटोनेटर 3 नक्सल साहित्य 1 प्रिंटिंग मैकटेक 1 लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया है। विस्फोटक सामग्री रखे जाने के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2020 से पीएलजीए बटालियन नक्सलियों के लिए खाद्य सामग्री गन पाउडर केमिकल डेटोनेटर वॉकी टॉकी विस्फोटक सामग्री इत्यादि सप्लाई करना और सामग्रियों को नक्सलियों को देने के लिए रखने की बात बताई है। थाना सुकमा में धारा 4 और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम दर्ज कर आगे की कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना सुकमा में आज पीएलजी बटालियन के जो सप्लाई नेटवर्क है उसको उध्वस्त करने को सफलता मिली है। इसमें 2 शहरी सप्लायरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 1 मंतोष मंडल निवासी चिंतलनार और 2 एस नागार्जुन निवासी आंध्र प्रदेश। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एल्यूमिनियम पाउडर यूरिया पोटेशियम नाइट्राइड ऐसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में जो सामग्री रहती है वो उसको बरामद की गई है। पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि 2020 से ये लोग पीएलजे बटालियन नंबर 1 को ये सब विस्फोटक सामग्री वॉकी टॉकी और अन्य सामान की सप्लाई करते थे। इससे नक्सलियों का जो सप्लाई लाइन है उसको आहत पहुंचेगी। सर नक्सली सही सप्ताह भी मना रहे तो लगातार विफल हो रहे हैं, नक्सली की जो वारदातें करने की कोशिश कर रहे लेकिन विफल हो रहे, उस पर क्या कहेंगे? लगातार जो इलाके में कैंप लगाए जा रहे हैं ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं उसके अलावा जो आसूचना तंत्र है उसमें भी मजबूती आई है। इसकी वजह से नक्सलियों के जो प्लान है वो विफल होते जा रहे हैं।